नमस्कार, मैं अंजना, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज पर। सबसे पहले मेरे प्यारे फेसबुक परिवार के सभी सदस्यों को मेरा दिल से धन्यवाद। हमारे परिवार में अब 50,000 लाइक्स और 52,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। यह मेरे लिए एक बड़ा और खुशी का पल है। आप सभी के साथ इस सफलता को साझा करना मेरे लिए गर्व की बात है। आपका साथ, प्यार और समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आप सबकी राय और प्रेरणा मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। फिर से धन्यवाद आपके प्यार और समर्थन के लिए। हमारे सफलता की यह यात्रा जारी रहेगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो आइए अब चलते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सीधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोली, भाजपा ने जो कहा पूरा किया। किसानों के खाते में साल में 3 बार पैसा भेजा है। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 2,60,000 रुपए सीधे भेजे हैं। सीधी बीरबल की भूमि है, पहली बार वोट देने वालों के सामने गुत्थी रखता है। पहेली देता हूँ, सुलझा दोगे? कई दशक तक कांग्रेस की सरकार थी, आज कुछ ही राज्यों में है, सोचिए इनका पतन क्यों हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीधी की चुनावी सभा में कहा, कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया, भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए। सतना रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास खड़ी मालगाड़ी की छत पर युवक का जला हुआ शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई। हालांकि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में वोटिंग वाले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2 दिन के लिए अजमेर शरीफ ले जाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते ही कांग्रेस ने इसे वोट डालने से वंचित रखने की साजिश बताते हुए शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग को की थी। यह मामला उज्जैन में 51 रुपए में अजमेर शरीफ यात्रा पर ले जाने से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग को शिकायत मिलने के बाद यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद भगवान रामलला की प्रतिमाएं विराजित होंगी। 22 जनवरी 2024 को होने वाले भव्य आयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर घर पीले चावल देकर आमंत्रण दिया जाएगा। मंगलवार को अयोध्या से पीले चावल का कलश उज्जैन पहुंचा है। कलश का पूजन कर सबसे पहले महाकाल मंदिर लेकर जाएंगे, इसके बाद आमंत्रण पत्र के साथ घर घर पीले चावल वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एक दिवसीय दौरे में आज जबलपुर पहुंचे, जहां आज कांग्रेस के 3 विधानसभा के प्रत्याशी लखन घनघोरिया, राजेश पटेल और एकता ठाकुर के समर्थन में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं और परेशान होकर छुटकारा पाना चाहते हैं। ग्वालियर में एक 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म बनाकर बेरहमी से मारपीट की घटना हुई है। दुष्कर्म के बाद बदमाश रात भर उसे जंगल में हाथ पैर बांधकर पीटते रहे। अगले दिन दोपहर 12 बजे जब गांव में छात्रा की तलाश में माहौल खराब हुआ तो उसे मुक्त कर भाग गए। बाल्टी पर गिरने के दौरान उसकी रॉड निकलकर व्यक्ति के गले के आर पार हो गई। रॉड गले के अंदर लेरिंग्स यानी कंठ वाली नली के अंदर चली गई थी। इसके बाद उसे MY अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद उसे बाहर निकाला। पेशेंट अभी अस्पताल में एडमिट है तथा हालत अच्छी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ग्वालियर की चुनावी सभा में कहा, भाजपा में 5 पांडव हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स यानी IG और ऊपर से चौहान और मोदी, ये पांडव अलग हैं। उन्होंने कहा, मोदी साहब बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे आगे बढ़ाएं। यही बात चौहान यानी CM शिवराज साहब भी करते हैं। दोनों में कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, मोदी है या चौहान है। मध्य प्रदेश के 80+ उम्र के बुजुर्ग वोटर या फिर ऐसे मतदाता जो चलते फिरने में असमर्थ हैं और 17 नवंबर को पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकेंगे, उनके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा भोपाल, बुरहानपुर सहित जबलपुर में शुरू हो गई है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर।